आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला के राजनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के वाहन के साथ चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार। बरामद सुमो विस्टा का नंबर जांच में पाया गया गलत। चोरी की दो मोटरसाइकिल, एक टेम्पो मॉनिटर व CPU भी लगा पुलिस के हाथ। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। चैनल में NH33 पर मिनी वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त। पटना से शादी समारोह में भाग लेकर लौट रही महिला की मौत। पटना से टाटा लौट रही वैन में सवार सभी 9 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर, सभी की TMH में चल रही चिकित्सा। एसपी कार्यालय के बाहर से फेरी वाले की साइकिल चोरी, एक हराया, दूसरा सहयोगी साइकिल समेत भागने में सफल। CH एरिया में महिला से पर्स छीन कर भागते उचक्के को लोगों ने पकड़ा। मौके पर जमा लोगों ने की उचक्के की जमकर धुनाई, किया पुलिस के हवाले। आइए बात करते हैं राजनगर थाना पुलिस द्वारा एक बड़े वाहन चोर गैंग के खुलासे की। सरायकेला जिले के राजनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की एक टीम ने चोरी के वाहन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की विस्टा सूमो गाड़ी, 2 बाइक, मॉनिटर, CPU बरामद किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्त में आए युवक मजिया टूडू के पास से एक सुमो विक्टा बरामद किया गया है, जिसका जांच के क्रम में रजिस्ट्रेशन नंबर गलत पाया गया। जानकारी देते हुए सरायकेला SDPO ने बताया कि सख्ती से पूछताछ के क्रम में मजिया टूडू ने अन्य वाहनों के संबंध में जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर एक ऑटो, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल का लॉक टूटा हुआ, एक जेल कंपनी का मॉनिटर, एक CPU, बगैर नंबर का 2 मोपेड बरामद किया है। उन्होंने बताया कि मजिया टूडू का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। मूल रूप से इस गिरोह द्वारा वाहनों का नंबर प्लेट बदलकर खरीद बिक्री का काम किया जाता है। पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दिनांक 12/3/23 को भाता चाईबासा जो मुख्य सड़क है, वहाँ पर एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी। इसमें एक टाटा सुमो विक्टा, जिसकी वाहन संख्या J05N0666 है, उसमें जो चालक था वो चेकिंग को देख कर जो है उसको इधर उधर भगाने का प्रयास किया गाड़ी को। उसको रोक कर उससे पूछताछ की गई और वाहन संख्या को जब जो ऑनलाइन ऐप है उसके अंदर चेक किया गया, तो जो वाहन संख्या जो उसमें मेंशन थी और जो इंजन और चेसी नंबर था उसमें ढूंढता पाई गई। उसी शक के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो जो चालक था उसने अपना नाम बताया, मजिया टुलू। उसने ये स्वीकार किया कि वो इस वाहन को चोरी करके ला रहा है कहीं से। जब उससे और डिटेल में पूछताछ की गई थी तो उसके निशानदेही पर काफ़ी सारे चोरी किए गए वाहन और अन्य सामग्री को बरामद किया गया है, जैसे कि 3 पहिया ऑटो रिक्शा जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या J05CJ3275 है, एक 2 पहिया मोटरसाइकिल शाइन SP जिसकी वाहन संख्या J05CJ3275 है, मोटरसाइकिल का एक टूटे हुए 2 लॉक, डेल कंपनी का मॉनिटर, CPU, 2 मोपेड बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ कुछ है। आपराधिक इतिहास भी रहा है, ये ओडिशा में के रहने वाले हैं। ओडिशा में मयूरभंज जो ज़िला है वहाँ में थाना तिरिंग में लुकुम गांव के रहने वाले हैं, और इनके घर से ही हम बरामद करके सब इनकी निशानदेही पर जो बाकी सब वाहन और सामग्री है बरामद किया गया। काफ़ी प्रोफेशनल क्रिमिनल है, काफ़ी पुराना क्रिमिनल, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है वहाँ भी इनके बारे में कोई पूछताछ करेगी। ओडिशा में तो बताया गया कि हाँ ये कई बार यहाँ से मिल गया। आइए बात करते हैं चांडल स्थित NH33 पर हुई भीषण दुर्घटना की। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल स्थित NH33 में एक मिनी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद चालक वैन सहित घायलों को लेकर TMH पहुंचा। TMH में डॉक्टरों ने एक महिला सपना गोयल को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार 11 मार्च को जुगसराय निवासी युवती रानी गोयल की शादी पटना में हुई थी। युवती के परिजन रिसेप्शन में शामिल होने पटना गए थे। रविवार की रात जमशेदपुर लौट रहे थे। चांडिल पहुंचते ही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि वैन में कुल 9 लोग सवार थे, सभी का इलाज TMH में चल रहा है। खड़ा हुआ था रॉन्ग साइड में और गाड़ी वाले ने आके उसको जैसे पहुंचा उसे हम लोग ने हल्ला किया, आगे में गाड़ी है, तो उन्होंने मतलब जो है गाड़ी को आपको बचाने के चक्कर में उस किनारे से
तो डंपर से जो है उसका बॉडी जो है ना वो हो गया। गाड़ी में थे हम लोग 8 बड़े थे और 2 छोटे थे, पटना से आ रहे थे। बच्ची का आपको शादी था 11 का, कल आपको 12 था, हम लोग आ रहे थे। कितने लोग बताए कि एक हमारी वाइफ तो हो गई, डेथ हो गई, और बाकी जो जो 3 को जो बच्ची है और एक वो आपको सिस्टर है, उनको हल्का हल्का मामूली है, वो उनको कोई ऐसा नहीं है, मेन खाली वाइफ का। आइए बात करते हैं साइकिल चोर को पर्स छीनते कर भागते उचक्के के पकड़े जाने की। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय के बाहर कपड़ा बेचने वाले तनवीर आलम की साइकिल चुरा कर 2 चोर भागने लगे, जिसे भागता देख कर पुलिसकर्मियों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। वहीं सीएच एरिया में एक महिला से पर्स छीनते कर भाग रहे उचक्के को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय के बाहर कपड़ा बेचने वाले तनवीर आलम के साथ एक घटना हुई। उनकी साइकिल चोरी कर बदमाश भाग रहा था। इस दौरान तनवीर ने उन्हें देख लिया और मदद के लिए चिल्लाया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एक चोर को धर दबोचा, पर एक चोर साइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस एक चोर को थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। तनवीर ने बताया कि वे आजाद नगर में रहते हैं और एसएसपी कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे कपड़ा बेचते हैं। वे अपनी साइकिल पर ही कपड़ा लेकर आते जाते हैं। आज वह कपड़ा बेच रहे थे, तभी 2 युवक आए और उनकी साइकिल लेकर भागने लगे। उनमें से एक युवक साइकिल को चलाकर भागा, जबकि एक पैदल ही भाग रहा था। पुलिस ने एक को पकड़ लिया है। साइकिल लगा हुआ था, 2 आदमी था, एक हमको बाद में फंसाया, एक को लेकर भागा, नहीं नहीं पकड़ लिया साइकिल को, एक को लेकर जो भागा वो मिला कहाँ, दूसरा को हमने पकड़ा। पकड़ा गया। जमशेदपुर के बिस्टूपुर थाना अंतर्गत सीएच एरिया रोड नंबर 1 में एक महिला से बाइक सवार बदमाश ने पर्स की छिनताई कर ली। हालांकि भागते समय वह लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। सोनारी की रहने वाली महिला रीना देवी ने बताया कि घटना के समय वह बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने जा रही थी। सीएच एरिया रोड नंबर 1 के पास पीछे से बाइक सवार उचक्के ने उनका पर्स छीन लिया और भागने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे महिला के देवर रंजन ने बदमाश का पीछा किया और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। इस बीच काफी लोग जमा हो गए, लोगों ने उचक्के की जमकर धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिस्टुपुर पुलिस ने उचक्के की गिरफ्तारी की और थाने पर रखकर उससे पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में उससे यह जानना चाहती है कि इससे पहले उसने छिनतई व चोरी जैसी कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। आगे बात करते हैं, अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में महिलाओं का डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन की। जमशेदपुर में विभिन्न महिला संगठनों ने महिलाओं को समान अधिकार एवं न्याय दिए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। महिलाओं ने अपनी अन्य मांगों के साथ महिला दिवस के मौके पर समान अधिकार और न्याय की मांग राष्ट्रपति से की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा कि आज भी समाज में महिलाओं को समान अधिकार एवं न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिला हिंसा भी चरम सीमा पर है। ऐसे में आज के इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने आप को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार से संबंधित कानूनों को सख्ती से देश भर में लागू किया जाए। CITU और हमारे महिला समिति जीवन बीमा निगम का मैं अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं चारों ओर अंतर्जातीय महिला समिति महिलाओं दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन
कितने परसेंट महिलाओं आज सुरक्षित है। आज हम देख रहे हैं कि पूरा देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं का भागीदारी नहीं है। महिला स्पोर्ट्स में बोलिए, कामकाज में बोलिए, चारों ओर पंचम लहर आई है, लेकिन वो 30-33% महिलाएं ऐसी है, बाकी 67% महिलाओं का क्या हाल है। आज मजदूरी कर रहे हैं, महिलाओं को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 600 रुपया डे का हिसाब से और 200 दिन का काम हो, ऐसा एक ज्ञापन हम लोग किसी मैडम के पास लाए हैं ताकि हम लोगों का जो आवाज़ है वो एकदम सरकार तक पहुंचे। आज महिला असुरक्षित है, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को पर तेजाब फेंका जा रहा है, पेट्रोल से जला दिया जा रहा है, कहीं पर उसको काट के फ्रिज में रख दिया जा रहा है। तो ये सब जो आरोपी है इनको फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द सजा मिले ताकि समाज में ये पता चले कि ऐसे करने वालों का ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। तो हम लोग इन सब महिलाओं की सुरक्षा, कामकाज, न्यूनतम वेतन सब लेके आज डीसी मैडम के पास आए हैं, ज्ञापन हम लोग देंगे। इस ज्ञापन के चलते ये सरकार तक पहुंचे, ये हम लोग का आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का एक लक्ष्य। आइए बात करते हैं बीजेपी व कांग्रेस नेताओं के बीच तूल पकड़ते मारपीट के मामले की। जमशेदपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा बिष्टपुर थाने में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कराया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रांची रवाना हुए, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिकायत कर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने मारपीट की घटना को लेकर कहा कि भाजपाइयों ने कांग्रेस की महिला प्रतिनिधियों के साथ मारपीट की, उन पर हाथ उठाकर बीजेपी नेताओं ने नारी शक्ति का अपमान किया है, उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट की। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोनकर के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस की ओर से उन्होंने बिष्टुपुर थाना में घटना की शिकायत की है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोनकर जी के साथ मारपीट किया गया, आपने मारपीट किया, ये जितनी निंदा की जा सके उतनी बड़ी निंदा का विषय है कि आपको मारपीट करने का अनुमति कोई नहीं देता। संविधान में आप नारा लगा सकते हैं, नारा संसदीय होना चाहिए, भाषा आपकी संसदीय होनी चाहिए, आपको संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। आप महिलाओं पर पहले हाथ चलाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं से मारपीट करते हैं, तो नेचुरली अगर आपके घर की बहू बेटियों के साथ कोई अन्याय करेगा तो आप क्या करेंगे? आप विरोध में नारा भी नहीं लगाएंगे। हमने थाना में आज आकर के शिकायत किया है कि हमारे महिला कार्यकर्ता जो डेलीगेशन गया है उस डेलीगेशन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और उसके बाद इसकी जानकारी मिलने पर हमारा कार्यकारी अध्यक्ष वहां गया है, उसके साथ मारपीट की गई, इस घटना की जांच हो और इस पर कार्रवाई, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। ये सीधे सीधी नारी उत्पीड़न का मामला है और हम लोग इन मामलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि भैया इस बात पर एकदम पुलिस को संज्ञान लेना होगा, कानून को इस पर कार्रवाई करनी होगी और दूध का दूध पानी का पानी सामने लाना। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी काफी गंभीर है। उनका कहना है कि पूरी गलती कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की थी। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ है। कल भी बिना किसी को सूचना दिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सांसद कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, सांसद के साथ बदतमीजी कर रहे थे और झूठी कहानी बनाकर बिष्टुपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी को किसी केस से डर नहीं लगता क्योंकि यह हमारी आदत हो गई है। जिस तरह झारखंड में झारखंड सरकार की ओर से 24 जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर झूठा केस कर उन्हें फंसाया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेताओं को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, मुझे कहने में अब कांग्रेसियों के ऊपर दया आ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के भारतीय राजनीति में विरोध और प्रतिशोध की जहां बात होती है तो वहां उस पार्टी के युवा और नौजवान आगे होते हैं। हमें लगता है कि जमशेदपुर में युवा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तभी तो महिला कांग्रेस को आगे करके कांग्रेस पार्टी ने कल वहां सस्ती लोकप्रियता लेने का काम कर रहे थे। कल वहां पत्रकार वार्ता थी,
पत्रकार सहभोज का आयोजन था और वहां पर जिस प्रकार से चंद कांग्रेसी पहले आए, धरना पर बैठ गए, और कल मैं कुछ लोगों का बयान सुना एक थाना में कि कह रहे थे कि हमारी महिलाएं मांग पत्र लेकर के गई थी। मांग पत्र यदि आप लेकर के गए थे तो 10 प्रतिनिधि मंडल जाते, आप मांग पत्र सौंपते। मांग पत्र में थाली गिलास चम्मच की क्या आवश्यकता थी? आप लोगों के ही मीडिया चैनल में वीडियो वायरल है कि किस प्रकार से उनके कार्यकर्ता सांसद कार्यालय के गेट के बाहर सार्वजनिक रोड को अवरुद्ध करके रोड पर लेट करके कौन सा नाटक कर रहे थे। कांग्रेस के नेताजी ने कहा कि महिलाओं को चोटिल किया गया। मैं आप मीडिया को कहना चाहता हूं, यदि एक भी वीडियो फुटेज हमारा या हमारे पार्टी का किसी कार्यकर्ता का किसी महिला के साथ हाथापाई का दिखा दिया गया तो फिर मैं आगे बात करूंगा। वो जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे, उनके विरोध करने की तरीका का हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। आप विरोध करने आए हैं, लोकतंत्र के में सबको अधिकार है, लेकिन विरोध का एक दायरा होता है, एक मापदंड होता है। आप कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, असंसदीय, अमर्यादित, अशोभनीय शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं ऑल इंडिया गोजुरियो कराटे डू फाउंडेशन का कलर बेल्ट एवं ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन के आयोजन की। ऑल इंडिया गोजुरियो कराटे डू फाउंडेशन का कलर बेल्ट एवं ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर एसटीओ पीयूष सिन्हा शामिल हुए। इसके अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल कोच डॉक्टर हसन इमाम, जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुंडा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल समेत अन्य उपस्थित थे। बहुत अच्छा सीए एक ट्रेन का कथा। ओके अभी उड़ाकर एंड रिवर्स पंच करेंगे, ट्राई करेंगे। एवं ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन में करीब 18 स्कूल के 80 बच्चे बच्चियों ने भाग लिया। इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट एग्जामिनर क्योशी एल नागेश्वर राव, 8वीं डैन ब्लैक बेल्ट, द्वितीय एग्जामिनर सिंहान सुमित कुमार सेनापति, 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट और सेंसई नीरज कुमार, 3री डैन ब्लैक बेल्ट की देखरेख में संपन्न हुआ। इस एग्जामिनेशन में सफल बच्चे बच्चियों को आए हुए गणमान्य अतिथियों ने सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। एसडीओ पीयूष सिन्हा ने कहा कि आज के दौर में प्रत्येक बच्चों, खासकर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस कराटे सीखना चाहिए। उन्होंने नागेश्वर राव एवं उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना की। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आत्मरक्षा के लिए कराटे जो ये सीख रहे हैं अपने ट्रेनर के नागेश्वर राव जी के उनके मार्गदर्शन में, मैं आशा करता हूँ कि इसको कंटिन्यू करें और बहुत ही अच्छा कराटे सीखें, अलग और बेटर बेल्ट्स अचीव करें, और अगर कुछ बच्चे इसमें से अच्छा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल पर जा सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छे से अपना जो भी कराटे सीख रहे हैं इसको ना सिर्फ एज अ स्पोर्ट ओनली बट ऑल्सो एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इसको कंटिन्यू करें। आई थिंक ये लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है, मार्शल आर्ट या जो भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं वो सबके लिए ज़रूरी है। लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली ज़रूरी है, बट जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है और लड़कियां अगर ये सीखती हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके और समाज के लिए भी,
क्योंकि आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखना और इससे जो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, प्लस आप किसी चीज़ में अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप गार्नर कर लेते हो, ये इस तरह से ये काफ़ी मददगार होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों, सबको अच्छे से ये सीखें अगर वो, तो काफ़ी अच्छा रहे। ये आज के मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया के युग में दिन प्रतिदिन सब लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है और इस समय कराटे या अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो भी शहर में चल रही हैं उसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और उनको जो गाइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनर के रूप में हो, चाहे इंस्टीट्यूट के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और जमशेदपुर के बच्चे और जमशेदपुर के वासी तो इस दिशा में उसमें किस्मत है कि टाटा स्टील है यहाँ पर और टाटा स्टील ने अपने आरंभिक काल से स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ का नारा दिया है। तो पूरे भारत में स्पोर्ट्स के लिए जितना लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नागरिकों को उससे कम परिश्रम करना पड़ता है स्पोर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करने के लिए तो परिश्रम सदैव करना पड़ा था और करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे इतनी स्पोर्ट्स को लेकर के सुविधाएँ हैं और विश्व स्तरीय सुविधाएँ हैं और निश्चित तौर पर सब बच्चों को इसका लाभ लेना चाहिए। मैं जो बच्चे आज यहाँ शामिल हुए उनको भी बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आयोजकों को भी बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ कि आप देश के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ रहे हैं और एक सशक्त युवा बनने में उनको सहायक प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। आज यहाँ वेल्ट एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें करीब 18 स्कूल भाग लिया है और करीब 90 बच्चे जो है लगभग आए हैं और खासकर के बच्चियाँ ज़्यादा है और हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है बच्चियाँ। तो बहुत से बच्चे को आज कलर बेल्ट हुआ है, जैसा ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, लेकिन चार बच्चे उसमें ब्लैक बेल्ट में भी पास हुए हैं। बहुत कठिन है ब्लैक बेल्ट के लिए, मिनिमम 2-3-4 साल मेहनत करने के बाद वो बच्चे को मिलता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद। एक्चुअली हमारा जो फेडरेशन है वो जापान से रिकॉग्नाइजेशन है, मैं हर 2 साल में एक बार जापान जाने की कोशिश करता हूँ ताकि एडवांस ट्रेनिंग भी सीख रहा हूँ ताकि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सिखा सके और बच्चे स्टेट और नेशनल में मेडल ला सके। बहुत से बच्चे हैं जो आप देखें, आप जो टेस्ट हुआ उसमें बहुत से बच्चे जो है नेशनल भी जीते हैं, इंटरनेशनल भी जीते हैं बांग्लादेश में और नेपाल में। तो ऐसा अपना चाहे तो करियर भी बच्चा बना सकता है क्योंकि आज के दिन में कराटे जो है एक स्पोर्ट्स गेम है और ओलंपिक में भी कराटे आ गया है। 2020 में आप देखे होंगे टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ उसमें भी कराटे जो है शामिल था और एशियन गेम्स में, साफ गेम में, नेशनल गेम में पहले से था। और मैं धन्यवाद करूंगा आज के सभी अतिथि को जो सभी लोग आए हैं, खास करके एसडीओ साहब भी देखे आप उपस्थित हुए हैं के और साथ में हमारे कुल सर थे और हमारे प्रेसिडेंट एडीएस सोसाइटी के वाई ईश्वर राव जी थे, हाँ, और मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष जमशेदपुर के खंडेलवाल हसन इमाम जी थे, टाटा स्टील के जो मैनेजर थे, ऐसे बहुत लोग, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मुंगा सर, सभी लोग आज आए हैं और बहुत खुशी लगा बच्चे लोग को। बच्चे लोग जो है सुबह से 6 बजे से अपना एग्जामिनेशन दे के 12 बजे तक आज कंप्लीट किया है और सभी बच्चे जो है लगभग पास किए हैं और उम्मीद है कि यही बच्चे जो है इसी बच्चे में से निकल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल में पहुँचेंगे और देश का नाम और अपना स्टेट का नाम और अपना लाइफ को एक अचीवमेंट के लिए हासिल। आइए बात करते हैं सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा गिनाई गई केंद्र बजट की उपलब्धियों की। केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव काल में 2022-23 का बजट पेश किया। भाजपा सांसदों को पार्टी द्वारा निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों को बजट की उपलब्धियां बताएं, साथ ही उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी दे और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। बताते चले कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के मुताबिक देश के सभी भाजपा सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा अमृत काल में किए गए बजट का बखान करते हुए कहा कि 100 साल में यह पहला बजट है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब, किसान, विद्यार्थी और स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार एवं रेल को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर भी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं है, राज्य सरकार नहीं चाहती कि यहां एयरपोर्ट बने।
साथ ही उन्होंने राजधानी रांची से आर्थिक राजधानी टाटा के रेलवे कनेक्टिविटी पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि जहां रेल जमीन चाह रही है वहीं राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को एक एक कर गिनाया। अमृत महोत्सव के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 आम बजट 2023-24 का समाज के सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट है। खास करके गांव, गरीब, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों, शोषित और वंचित दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों के सशक्त सक्षम बनाने वाला ये बजट है। देश की जन जन और इन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित आम बजट के लिए आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त जनता एवं अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। ये अमृतकाल का पहला बजट है और ये आगामी 25 वर्ष के आधार पर ये बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता प्रदान करती है। मैंने करने वाले हैं, स्थिरता करने वाले हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।